आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। ओमकारेश्वर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 माननीय उच्च न्यायालय निर्देश के तहत अतिक्रमण हटाए गए, किंतु मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण से आने वाले श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर परिषद CMO मोनिका पारदी ने कहा, हटाया गया अतिक्रमण के बाद पुनः अतिक्रमण किया जाता है तो वरिष्ठ कार्यालय निर्देशानुसार लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हटाए गए अतिक्रमण में अगर पुनः अतिक्रमण किया जाता है तो माननीय न्यायालय की अवमानना मानते हुए FIR दर्ज करने हेतु बाध्य होना पड़ सकता है। आपके चैनल के माध्यम से अपील की जाती है कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर मार्गों पर अतिक्रमण ना करें। पुलिस राजस्व नगर परिषद की संयुक्त कार्रवाई के तहत लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आजाद न्यूज के लिए ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। अभी जो अतिक्रमण हटाया गया वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर हटाया गया था और वर्तमान में शहर की आवश्यकता भी है, क्योंकि पुराना बस स्टैंड से लेकर JP चौक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है और आए दिन लगातार श्रद्धालुओं की संख्या ओंकारेश्वर में बढ़ रही है। सैटरडे संडे काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उन्हीं की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारा जो अतिक्रमण की मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी और वरिष्ठालय से जैसे जैसे मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं, चूँकि वो हाईकोर्ट के केस के संबंध में हो या फिर यहाँ के आम नागरिकों की सुविधा के संबंध में हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चूँकि ये मामला जो है हाईकोर्ट में भी चल रहा है और लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी है, क्योंकि पुनः अगर अतिक्रमण किया जाता है और हाईकोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो निश्चित ही इस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। हो सकता है कि हमें FIR तक के जाने की भी हम लोग प्रयास करेंगे, तो लोगों को अनावश्यक असुविधा ना हो और वो माननीय हाईकोर्ट का भी पालन करते रहें। इसीलिए वो जो भी हमारे नियम होते हैं या फिर हमारे द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है कि अतिक्रमण हटाना है या फिर वापस आपको अतिक्रमण नहीं करना है, इसका पूर्णतः पालन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो निश्चित ही सख्त से सख्त कार्रवाई लोगों को झेलनी पड़ सकती है, इसलिए अनावश्यक असुविधा से बचें।